नाराजगी उन्होंने जताई, क्या बात बताई, क्यों इस्तीफा? देखिए ऐसा, मैं तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में था, तब एक पता चला कि लवली जी ने इस्तीफा दिया है और कोई चिट्ठी लिखी है। मैं चिट्ठी तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम था, इसलिए सीधे आया। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित हैं। उनको लगता है कि पिछले महीने दो महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से क्योंकि चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर उन्होंने अपनी चिट्ठी में दिया है कि उनकी जो सीट है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी, वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े जो वरिष्ठ हैं, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं वो मेरी तरफ, वो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था, बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी भी ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं, हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की, हमारे दो बड़े कार्यक्रम हुए आपने देखा होगा ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई, तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी बेहतर रूप से चलेगी। चलिए जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने ट्वीट किया है और इशारों में कहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली से बदल रही है, इशारा संभवतः अरविंदर सिंह लवली पर ही है, उनके इस्तीफे के बाद ही ट्वीट आया है, इस पर क्या कहना है? देखिए आम आदमी पार्टी से हमारा एक ब्रॉड वैचारिक राष्ट्रीय मसलों पर एक समझौता है, उनके नेता व्यक्तिगत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मेरे लिए कोई उसका मतलब नहीं है। सर क्या दीपक बावरिया जो उनको लेकर सवाल उठे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में जो फंक्शन है उनकी शैली है वो ठीक तरीके से चल रही है? दूसरी बात, क्या कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है जो चुने गए हैं वो ठीक तरीके से चुने गए? क्या संदीप विशेष संतुष्ट है कैंडिडेट सिलेक्शन से? देखिए ये मैं अभी यहाँ कोई जगह नहीं है बात करने की, कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ लवली जी से बात हुई है, कुछ और चीजें चल रही हैं, वो सीनियर, मैं तो इतनी आशा करूंगा कि हमारी सीनियर लीडरशिप जो है इस मामले को गंभीरता से ले। दिल्ली में कांग्रेस का उदय जो है एक तरीके से हमको लगता है कि हम उसकी दहलीज पर खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जागृत हुआ है, हमारे लीडर एक साथ जुटे हैं, ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में राजनीतिक रूप से गेन किया है उसमें हम फिर पिछड़ने। ये मुझे आइडिया, मैं तो सिर्फ उनको व्यक्तिगत उनसे बात की, थोड़ा सा चाय पी उनके साथ, अपनी एक उनसे अपनी फीलिंग्स किए, उसके बाद ज्यादा बात नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नहीं, देखिए वो मैंने कोई इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, जैसे मैं कह रहा हूँ एक ब्रॉड बात हुई थी, कुछ पिछले कुछ दिनों से भी बात हो रही थी, तो अगर मैं किसी व्यक्ति पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बात कहूँ और ये दर्शाऊं कि ये उनकी तरफ से कोई भावनाएं तो गलत सर वो कर बीजेपी, मैंने कोई डिटेल में उनसे बात नहीं की। सर बीजेपी में तो नहीं जाएंगे अरविंदर सिंह लवली क्योंकि एक बार वो पहले भी जा चुके हैं? देखिए ना मैंने इस विषय की कोई बात उनसे की है, और मुझे याद है जब सवेरे मैंने उनपे फोन पे बात की थी कि ऐसा हुआ, वो ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फोन आ रहे होंगे, उन्होंने यही कहा कि मैंने इससे इस्तीफा दिया है और मैंने ये भी कांग्रेस नेतृत्व को कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा।